नमस्कार बागवान भाइयों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए कैसे बीमा भरा हुआ है मेन शाखाओं में और बीमा की काट छांट सही तरीके से करें। देख सकते हैं आप, जितना क्लोज होगा बीमा शाखा के उतना आपका क्वालिटी फ्रूट बनेगा। आप भी इस तरह का बीमा बनाइए। देख सकते हैं आप, तने से लेकर चोटी तक कैसे बीमा भरा हुआ है। ये रॉयल का प्लांट है, इस पर का प्लांट नहीं है। देख सकते हैं आप, इन प्लांटों में अभी प्रोनिंग नहीं हुई है। कुछ प्लांट में प्रोनिंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस प्लांट में प्रोनिंग हो चुकी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल हमारे बागवान भाई काट छांट में लगे हुए हैं। ताकि हमारा बीमा डेवलप हो सके आने वाली क्रॉप 2023 की। साइज इम्प्रूव होगा अगर अच्छे से काट छांट करोगे। देख सकते हैं आप, मेन शाखा के नज़दीक लाया गया है बीमा, कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बीमा। इस प्लांट में अभी प्रोनिंग नहीं हुई है। देख सकते हैं आप बीमा कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही ज़बरदस्त बीमा बना हुआ है। देख सकते हैं आप बागवान भाइयों, ये आपके लिए वीडियो बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर, चैनल को सपोर्ट करें। ये चैनल आपका है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा YouTube पर। कई बागवान भाई बोलते हैं ये बीमा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी नहीं काटना, ये भी नहीं काटना, इसको भी दो रहने, बाद में क्या हो जाता जी, प्लांट में रह जाता है झाड़, जिसकी वजह से हमारा साइज इम्प्रूव नहीं होता है और सेब का साइज रह जाता है जी पित्तू। इसलिए घबराए नहीं, बीमों की काट छांट अच्छे से करें ताकि हमारा क्वालिटी फ्रूट बने। इसलिए ही काट छांट करते हैं ताकि क्वालिटी फ्रूट बने।
हमारे को बागवान भाइयों अच्छे रेट मिले। बीमो की काट छांट में बिल्कुल भी ना घबराए आप, बिना घबराए बीमो की काट छांट करें। जड़ से बिल्कुल ना निकाले बीमा, एक या दो 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 बीमा से ज़्यादा ना रखे। गुच्छे होते हैं ना बने हुए, तो उसको सही तरीके से काट छांट करें। इस प्लांट में कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बड़ा भारी मटेरियल निकला हुआ है नीचे, काट छांट करके स्ट्रॉन्ग बीमा रखा हुआ है। पीछे जो क्रॉप देगा वही रखा है, बाकी सारा झाड़ उतार दिया गया है इससे। पौधे में जान आएगी, ग्रोथ भी आएगी, साइज भी बनेगा। क्रॉप तो फंस जाती है और साइज नहीं बनता। मेन कारण क्या होता है कि सही तरीके से काट छांट नहीं होती, क्रॉप घनी लगती है, उस वजह से साइज इम्प्रूव नहीं होता। खाद चाहे आप जितनी मर्जी डालोगे, साइज नहीं बनने का अगर काट छांट सही नहीं होगी तो। ये ज़्यादा जो मोटे काटे हुए हैं ना, ये कुछ सूखी टहनियाँ थी बागवान भाइयों, तो आप ज़्यादा मोटी टहनियाँ ना काटे। धन्यवाद जी, वीडियो इतनी है।